मांडा प्रयागराज। प्रयागराज जिले के विकासखंड मांडा के अंतर्गत ग्राम सभा वादपुर में भागवत महापुराण का आयोजन यजमान श्री शिव बहादुर सिंह एडवोकेट एवं उनके पुत्र अशोक सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांडा एवं पुत्र बहु श्रीमती रेखा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से 5 नवंबर 2019 से व्यासपीठ आचार्य श्री सुबोध जी महाराज प्रयाग धाम के मुखारविंदु से शुरू किया गया, जिसकी पूर्ण आहुति हवन एवं भंडारा 12 नवंबर 2019 दिन मंगलवार को होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम सम्मानित व्यक्तियों में श्री संतोष सिंह एडवोकेट, सरोज सिंह प्रधान बादपुर, रमाकांत पांडे, नवनीत कुमार पांडे, संतोष सिंह, संजय सिंह, बीडीसी महंत सिंह, सनी पटेल, महेश सिंह, ललन तिवारी, नेहरू यादव, उमेश चंद पांडे, युगेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। ईश्वर इस परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। साथ ही स्टार 7 टीवी न्यूज चैनल के संचालक पंडित अखिलेश तिवारी, प्रदेश प्रभारी श्री कमलेश सिंह, तहसील प्रभारी राम सागर, रिपोर्टर विमल कुमार जायसवाल, रिपोर्टर राघव प्रताप सिंह, रिपोर्टर रत्नाकर सिंह, रिपोर्टर निखिलेश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ विमल कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। देख के हैरान रह गए। भगवान ने पत्नियों से कहा, देख लो तुम लोगों को नरक की चिंता लगी हुई थी। इसलिए प्रेमी बनना है प्यारे, उसमें त्याग सीखो, समर्पण सीखो और हमेशा प्रीतम के सुख की कामना करो कि सुख में सुखी हो जाना, यही प्रेम का सर्वोत्तम भाव है। आइए अब हम और आप उस लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आज की लीला कथा प्रसंग का मुख्य प्रसंग है, सुदामा चरित्र। मित्रता किसे कहते हैं, मित्रता की परिभाषा क्या है, भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र में, अपनी लीला में ये भी दिखाया है। हाँ, आजकल तो हम मित्र भी बनाते हैं तो अपने लेवल का बनाते हैं। एक करोड़पति बाप का बेटा करोड़पति को ही मित्र बनाएगा, एक गरीब के बेटे को मित्र नहीं बनाएगा। आजकल लोग अपने लेवल के, अपने स्टेटस के लोगों को देखकर बात भी करते हैं, मैंने देखा है। पैसे वाले लोग गरीब से बात करना पसंद नहीं करते, वो कहते हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्टेटस का नहीं है। अपने स्टेटस के लोगों से लोग बात करना पसंद करते हैं। भगवान ने मित्रता को भी दिखाया है, उसको भी निभाया है। और मैं प्राय कहा करता हूं इस बात को, चार की परीक्षा जो है वो विपत्ति काल में होती है, संकट की घड़ी में, संकट की अवस्था में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखी हैं चारी। धैर्यता की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है। हमारे आपके अंदर धैर्य कितना है, हम धैर्य बड़े जल्दी खो देते हैं, छोटी छोटी बातें धैर्य खो देते हैं, आवेश में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। आप अपना आपा ना खो पाए, संभाल लें अपने आप को, समझ लो कि हाँ आप धैर्यवान हो, आपके अंदर धैर्यता है। धर्म, जिसने धर्म को त्याग दिया वो जीते जी होते। इसलिए जीवन में हमारे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं प्राय छत्तीसगढ़ कथा के लिए जाता हूं, सबसे ज्यादा रोटी मैंने वहीं की खाई है अपने जीवन में, बहुत कथाएं मैंने घर की है, बहुत प्यार मिला है मुझे छत्तीसगढ़। वहां में मैंने देखा है ईसाई मशीनरियां काम करती हैं जो आदिवासी भाई बंधु हैं, क्योंकि जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा जो नक्साई इलाका है, यहाँ तक कि भोपाल पटनम आगे आंध्र की सीमा लग जाती है, जो प्योर नक्साइड एरिया है, वहां तक की कथा करके आए हैं। प्योर नक्साइड एरिया में जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां भी कथा करके आए हैं। तो हमने देखा है कि सारी मशीनरियां वहां पे काम करती हैं और धन के लोभ में, रोटी के लोभ में जो आदिवासी लोग हैं उनका धन परिवर्तन कर देते हैं और ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि
आप उनको प्रसाद दो तो वो प्रसाद भी मिलेंगे आपके यहाँ से। मैंने ये देखा है वहां पे, अनुभव किया है, ऐसा माइंड वॉश करते हैं। तो ये कैसा धर्म, ये कैसी सेवा कि तुम सेवा के नाम पे किसी की सेवा कर रहे थे, बीचों की हमको दवाई दे रहे हैं, हमको रोटी दे रहे हैं, हमको धन दे रहे हैं, तुम दूसरे के धर्म को बदलवा करके और कह रहे हो हम सेवा कर रहे हैं। फिर भी उधर भागवत का, रामचरितमानस का अध्ययन करा रही हैं, वो लोग स्वयं कथा करते हैं, आदिवासी बंधु जगह जगह कथा, राम कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं और उनको जोड़ रहे हैं पुनः। तो मेरे कहने का भाव, हमारे जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, किसी कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, हम धर्म को कभी ना छोड़ें। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना।